Question number 2. Mention the steps you will use to separate the variable and solve the equation. अब इसमें भी आपको steps बताने हैं और उसके बाद equation को solve करना है. तो सबसे पहले हम इस equation को देखते हैं. हमारी equation है 2 into x minus 1 is equal to 10. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस bracket के साथ जो 2 लगा हुआ है उसको ही हटा देते हैं, right? तो ये multiply में है bracket और ये क्या है, मल्टीप्लाई में है. या फिर आप सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, राइट. ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, 2 इनटू एक्स, 2x, राइट. ब्रैकेट आप लोग ब्रैकेट ओपन करना चाहें पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, और अगर ब्रैकेट नहीं ओपन करना चाहते हैं तो बिना ब्रैकेट ओपन किए भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए एक काम करते हैं, बिना ब्रैकेट के इसको ब्रैकेट को ओपन किए हम लोग सॉल्व करते हैं. तो क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई बाय 2 है तो इसको डिवाइड का 2 कैंसिल कर सकता है. तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, दोनों साइड्स को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, राइट. तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2. 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2 2 5 10. अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5. अब यहाँ x के साथ क्या है, माइनस 1. माइनस के नंबर को कौन सा नंबर कैंसिल कर गया, प्लस का नंबर माइनस 1 है. तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस 1 करना है. तो एट 1 2 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर अब हम 1 ऐड कर देते हैं. तो सबसे पहली साइड मेरी एक्स माइनस 1, वहाँ प्लस 1 ऐड कर दूंगी, और उसके बाद दूसरी साइड है मेरी 5, उसमें भी प्लस 1 कर दूंगी. तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल और आपका आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल टू 6, राइट. स्टार्टिंग में आपको ये स्टेप्स लिखने जरूरी है, जब आपको आदत हो जाएगी तो फिर ये स्टेप्स आप स्किप कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट देखते हैं, 5x माइनस 25 इक्वल टू 0. यहाँ पर x के साथ अभी फिलहाल 5 है, लेकिन हम इसको एक ही टर्म कंसीडर करते हैं, ये पूरी एक टर्म है हमारी. तो इसके साथ हमारे पास क्या है, माइनस 25 को कौन सा नंबर कैंसिल करेगा, अब प्लस 25. तो प्लस की जगह हम लिखेंगे ऐड 25 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम 25 को ऐड कर लेते हैं, राइट. तो 5x माइनस 25, ये हमारी LHS है, इसमें ऐड करिए 25 इज इक्वल टू 0, इसमें भी ऐड करिए 25. तो -25 + 25 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5x इक्वल टू 25. अब x के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 5 इसको हटाना है. मल्टीप्लिकेशन के नंबर को डिवीजन का नंबर कैंसिल करेगा, तो डिवाइड बोथ साइड्स 5, ठीक है. तो 5x इसको 5 से डिवाइड करिए, और दूसरा है 25, इसको भी 5 से डिवाइड कर दीजिए. 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 25. सो देयरफॉर x इक्वल टू 5. ये हमारी x की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, राइट. आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं.